हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीसी ज्ञान। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन के जो नोट्स हैं ये जो है इम्पॉर्टेंट रहेंगे फॉर आरपीएससी एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एंड आरपीएससी के जितने भी टीचर के एग्ज़ाम्स हैं। उसके अलावा आप जो भी टीचर एग्ज़ाम देंगे साइंस का, उसके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो है सारे स्पंजस आते हैं, इसलिए इनका बेस स्केलेटन जो देखो, इसके बेसिस पे इनको तीन क्लासेस में जो है डिवाइड किया है। पहला है कैल्केरी या फिर कैल्सियो स्पॉन्जाई, और दूसरा है हेक्सेक्टिनलीडा या फिर हाइलो स्पॉन्जिया। हाइलो का मतलब होता है ग्लास और स्पॉन्जिया स्पॉन्ज। और कैल्केरिया जो है इनका कैल्शियम से बना जो है जो स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए इनको कैल्केरिया में रखा गया है। और जो थर्ड है क्लास, वो है डेमी स्पॉन्जिया। डेमो का मतलब होता है फ्रेम, और स्पॉन्जिया स्पंज जो है उसे कहते हैं। और इसमें जो है स्केलेटन वो एब्सेंट रहता है। सो फर्दर जो है पोरीफेरा जो वर्ड है, जो टर्म है, वो आर ई ग्रांट ने दिया था इन 1836 में। और ये जो है ग्रीक वर्ड है पोरीफेरा, मतलब जो पोर्स जो है, और फेरा टू बियर, यानी जिनमें जो है जनरल स्ट्रक्चर इनका ऐसा रहता है। थोड़ी ड्राइंग ख़राब है यहाँ पे, तो इनमें जो है पोर्स रहते हैं स्पंजेस में। सो इसलिए इनको जो है पोरीफेरा कहा जाता है। सो इसमें जो पाए जाने वाले जो जंतु रहते हैं उनमें पोर्स पाए जाते हैं शरीर पे, जो छिद्रित होता है। इसलिए जो एलिस है उन्होंने 1765 में स्पंजेस के जो शरीर है उनमें जल की धारा और ऑस्कुलम में जो है गति के आधार पर इनको जो है एनिमल होने की, यानी जंतु होने की पहचान की। और पोरीफेरा को वर्तमान में हम पोरोजोआ शाखा में रखते हैं। और पोरीफेरा का जो डेवलपमेंट है इसको जो है अंधी जो गली या फिर अंधी शाखा कहते हैं, क्योंकि इसमें और किसी भी संघ का जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो इसके जो जो जनरल फीचर्स है, सामान्य लक्षण वो ये हैं कि ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं, और इनमें जो है जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, शारीरिक संगठन जो है वो सेल लेवल का होता है, कोशिका स्तर का होता है। इनमें जो उत्तक या फिर जो ऑर्गन्स हैं, अंगों का जो है अभाव होता है। और इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी या फिर कोई भी सिमेट्री इनमें नहीं पाई जाएगी। और उसके अलावा इनके शरीर भित्ति में बाहर की तरफ जो है पिनेकोडर्म्स होते हैं, अंदर की तरफ जो है कोइनोडर्म्स होते हैं, और बीच में जो मध्य में जो है मीजेनकाइमा होता है। और जल के प्रवाह के लिए जो है इनमें बहुत सारे जो है छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। सो ये जो है कॉमन सा इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ जो है ओस्टिया पाए जाते हैं जिनसे जो वाटर जो है अंदर आता है, और ये जो है इसका एक छिद्र होता है जिससे कि पानी जो है वो बाहर की तरफ जाता है, इसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, ऑस्क्यूलम कहा जाता है। कोइनोसाइट जो है वो फ्लैजुलर होता है, और इनको जो है कॉलर सेल्स इनमें पाई जाती है, और विभिन्न प्रकार के जो है चैम्बर्स बनाती है, और ये केवल स्पंजेस में ही पाए जाते हैं। और कंकाल जो है इनका या तो कैल्शियम का होगा या फिर सिलिका का होगा, सिलिशियस होगा, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से बना रहेगा। और कुछ स्पंजेस में जो है स्केलेटन एब्सेंट भी रहता है। और इनका जो डाइजेशन है वो अंतर कोशिकीय होता है, और श्वसन अंग उत्सर्जन अंग का जो है इनमें अभाव होता है, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो इनमें एब्सेंट होते हैं। और जो श्वसन है यानी रेस्पायरेशन जो है वो देह भित्ति से ही होता है, और इनमें अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन या फिर जेम्यूल्स के द्वारा होता है। और अब बोरिंग स्पंज कहते हैं क्लियोना को, और ब्रेड क्रम्ब स्पंज जो है वो कहते हैं टेलीकॉन्ड्रिया को, हेलीकॉन्ड्रिया को, सॉरी हेलीकॉन्ड्रिया जो है ये इससे जो केमिकल निकलता है वो कीमोथेरेपी में जो है काम आता है, कैंसर ट्रीटमेंट में लिए। नेक्स्ट लैंगिक जनन जो है वो युग्मक जनन द्वारा होता है, और निषेचन जो है वो आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष, स्वतंत्र पल्लवी, एम्फी ब्लास्टुला लार्वा या फिर जो है पैराकाइमुला लार्वा के रूप में होता है इनमें। तो लार्वा जो है इसका एम्फी ब्लास्टुला या फिर पैराकाइमुला होता है, और इसमें लार्वा में जो है सीलिया पाई जाती है। और पोरीफेरा को इनमें पाए जाने वाले कंकाल के आधार पर जो है तीन वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है क्लास कैल्केरिया। इनमें जो कैल्शियम जो है वो इनका स्केलेटन बनाता है, कंकाल जो है वो कैल्शियम ही होता है, और शरीर का संगठन जो है वो एस्केनॉइड
साइकोनॉइड ल्यूकोनॉइड प्रकार का होता है। अधिकांश जो है ये उथले समुद्र में या फिर ज्वारभाटा जो चिन्हों में पाए जाते हैं, यानी जो है ज़्यादा गहराई में नहीं ये पाए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ल्यूकोसोलेनियम, साइफा या फिर साइकन और क्लेरपाइना। नेक्स्ट है हाइलोस्पंजिया, इनमें जो है ये इनको हम ग्लास स्पंज कहते हैं और इनका स्केलेटन जो है वो सिलिका का बना होता है। और इनमें जो कोइनोसाइट है वो सामान्यतः अंगुलाकार पक्षों तक ही जो है सीमित होता है। इसके एग्जाम्पल्स है यूप्लेक्टेला, जिसे हम वीनस फ्लावर बास्केट या वीनस पुष्प की मंजूषा कहते हैं, हाइलोनीमा जिसे ग्लास रूप कहते हैं, और उसके अलावा फोरेनेमा यानी जो बॉल स्पंज है वो। नेक्स्ट है क्लास डेस्मोस्पॉन्जिया स्पॉन्जाई, इसमें स्केलेटन जो है वो एब्सेंट रहता है और उपस्थित होने पर जो अगर रहेगा तो वो सिलिकामय या कंटिकाओं का बना होता है। शारीरिक संगठन जो है वो ल्यूकोनॉइड कोइनोसाइट प्रकार का होता है। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो जाएंगे क्लियोना जिसे हम बोरिंग स्पंज कहते हैं, और जियोडिया और हेलिकॉन्ड्रिया जिसे हम ब्रेड क्रम स्पंज कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।